गाइस, तो मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने। कल का रोटी जो बचा था ना, बस उसको ही घी में सेक ले लूँ कि रोटी को वेस्ट तो करूँगी नहीं, तो इसीलिए। तो गाइस, ये रही मेरी लंच। देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है, मुझे तो टेस्टी बहुत साफ दिख रहा है। और ये कच्चा मैंगो, खट्टा और स्पाइसी खाने का मन था, तो चिली और कच्चा मैंगो बहुत मज़ा आता है खाने में कभी कभी। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी 1:30 बज रहे हैं और सुबह को मैं जगी, उसके बाद लंच बनाई और एक्सरसाइज तो आज नहीं करी हूँ, उसके बाद फिर मैं सो गई। और सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद सुबह का वीडियो भी नहीं बना पाई, तो अभी मैं आ गई हूँ। 1:30 बज रहे, अभी लंच करने आई हूँ। आज ज़्यादा कुछ वैसा काम है नहीं, सब कुछ बर्तन वर्तन सब क्लीन ही था, मतलब थोड़ा बहुत तो गंदा होता ही, तो थोड़ा बहुत ही है। तो मैं लंच करती हूँ। मैंगो बहुत खट्टा, मजा आ रहा है खाने मैंगो खट्टा। तो गाइस, हम लोग अगले महीने कहीं पे जाने वाले हैं, कोई बहुत ज्यादा ही खूबसूरत जगह। प्यास लग गई, वैसे तो मैं बीच में पानी नहीं पीती हूँ, स्टार्टिंग में ही पी रही हूँ, लेकिन अभी तो पी नहीं, तो प्यास लग गई। ये रोटी को जो घी में सेकते हैं ना, अगर रोटी बच गया हो तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। यहाँ पे मैं इस मॉस्क्यूटो एटर को ये लगा दी हूँ चार्ज पे, ताकि रात को ना, अभी बारिश का टाइम है ना, तो रात को मच्छर एकदम मेरे को तो नहीं काटता है, वैसे पति देव जी को काटता है, तो उनके लिए ये लगा दी हूँ। मच्छर मारते रहेंगे रात को इसीलिए, क्योंकि मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं तो पता नहीं क्यों मेरे को मच्छर का नहीं काटते हैं। तो ये चार्ज हो जाएगा तब तक, 1-2 घंटे में जब भी हो पता नहीं। तो अब मैं जा रही थोड़ा चाय पीने के लिए, चाय बनाऊंगी।
तो गाइस यहाँ पे चाय बन रही है और मैं जा रही हूँ मैंगोज़ को पानी में डालने के लिए। इसमें डालूँगी मैं पानी में, तो ये मैं डाल दी हूँ पानी में, लेकिन देखिए क्या हुआ। अगर इन लोगों को देखो नहीं ना तो यही होता है, ये थोड़ा सा ना ऐसा दे दिए यहाँ पे, इधर तो सही है बट ऐसे। तो इसीलिए कभी भी कुछ सामान लो तो देखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, नहीं तो कुछ ना कुछ ख़राब डाल ही देते हैं। तो ये शाम को खाया जाएगा या डिनर में। यहाँ पे गुड़ के अंदर ना चीटी चला गया, तो मैं इसको खोल के रख देती हूँ डब्बे को, कहीं इससे निकल जाए। ज़्यादा तो नहीं है, एक दो है, थोड़ा लूज था इसका कवर इसीलिए चला गया। चलिए तो अब मैं चाय पीती हूँ, और अभी बज रहे हैं 3 बज रहे हैं अभी। और आज मॉर्निंग में मैं चाय नहीं पीती, बॉडी में बहुत पेन हो रही है तो इसीलिए। तो गाइस चाय तो रेडी है, आज बॉडी में बहुत पेन हो रही है और काम करने का भी मन नहीं हो रहा। सुबह से सो रही थी मैं तो, लेकिन काम तो करना ही है ना, तो इसलिए चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद काम करूँगी। काम में ज़्यादा कुछ नहीं है, सब तो क्लीन हो चुका है, रूम वगैरह सब क्लीन है, बस वही बर्तन साफ़ करने हैं, थोड़ा ही है बर्तन बट फिर भी है। हर रोज़ मेरे को 1 या कभी कभी 2 घंटे लग जाते हैं बर्तन क्लीन करने में, 1 घंटे तो लग ही जाते हैं। चलिए चाय पीती हूँ। लाइट ऑन नहीं है रूम में, लेकिन आज धूप निकली है इसलिए लाइट दिख रही है। वैसे रूम में तो बहुत लाइट रहती है, कर्टन लगा के रहते हैं। और ये मेरा प्यारा सा टेडी है, इसका कुछ नाम है, जो कि इसी के साथ मेरे को नींद आती है सुकून से। बट इसका क्या है ना कि ये वाला जो आई है ना, वो पता नहीं कैसे निकल गया, लूज़ हो गया था निकल गया, तो ये मेरे को थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो अब थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। इसका कान भी मेरे से ही डैमेज हो गया, वो इसमें कुछ वायर टाइप का निकला था, थ्रेड टाइप का, मैं सोची उसको निकाल देती हूँ, तो निकाली तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। वैसे इसको स्टिच भी कर सकते हैं सुई धागा से। तो गाइस आप लोग ब्लॉग ब्लॉग देखते रहिए, कुछ नया नया मिलेगा भी धीरे 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 धीरे। और ये जो वेपर हो रहा था ना रूम में मेरा, ये कांच वगैरह पे, तो कोई भूत का सीन नहीं है, ऐसे ही हो रहा था मॉइस्चर बारिश वारिश की वजह से। आप लोग तो पता ही होगी कि भूत का कोई सीन नहीं है, बट मेरे को लगा कि भूत का है, क्योंकि मुझे डर लगता है। पहले तो मुझे इतना डर लगता था कि अकेले मैं दिन के टाइम में भी घर में नहीं रह सकती, बट अब नहीं लगता है डर। पहले मीन्स कि आज से 1-2 साल पहले, लेकिन अब नहीं लगता। धीरे धीरे चेंज हो जाता है ना सब।
गाइस मैं ये सोच रही हूँ कि अमेजोन से ना वो मंगवा लेती हूँ, क्लोथ टांगने का जो नहीं होता है, हैंग करने का जो होता है वो मेटल का रहता है और उसमें हैंग कर दो, तो क्योंकि पति देव जी का सर जो होता है ना वो मुड़ जाता है, हैंग करके रखो फिर भी मुड़ जाता है, तो मैं वैसा सोची आज देखती हूँ, आज ऑर्डर करूँगी। वैसा जगह तो बहुत कम ही है लेकिन परमानेंट तो यहाँ है नहीं, तो अभी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते, ज़्यादा टाइम रहना यहाँ वो भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, जगह की बहुत कमी है। तो तब तक के लिए यही है कि यहाँ रूम में अलमीरा है तो उसके बगल में यहाँ पे वो क्लॉथ वाला स्टैंड डाल देंगे, ताकि वहाँ पे हैंग रहेगा ना शर्ट वगैरह पैंट तो सही रहेगा, डस्ट वेस्ट तो आता नहीं है वैसे, इधर से भी बंद उधर से बंद, तो वो चीज़ बेस्ट रहेगा। तो आज देखती हूँ, आज ऑर्डर करूँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को कैसा है क्या है। तो गाइस ये भी चार्ज हो चुका है 1 घंटे में, देखिए ग्रीन लाइट, फर्स्ट टाइम चार्ज की हूँ मैं लाइफ में, फर्स्ट टाइम। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए, जल्दी जल्दी डिनर बनाती हूँ। जैसे कि मैं आ चुका हूँ, आते ही डिनर कर रहे हैं, डिनर में है चपाती और ये है करेला विद आलू का भुजिया, जो कि करेला कड़वा बनाएगा और इसको टेस्टी बनाएगा, तो मिक्स खाने वाले हैं क्योंकि करेला बहुत हेल्दी होता है, तो वो के लिए एक बार खाना चाहिए। तो और हमारे पास कुछ और पार्सल्स हैं जो हम थोड़ी देर में अनबॉक्स करेंगे डिनर करने के बाद, तो हम डिनर करेंगे, मिलते हैं। तो हेलो गाइस, अब बैठे हैं अनबॉक्सिंग के लिए आप लोगों के सामने, पहला हम करते हैं, लोगों के साथ देखते हैं क्या है, क्या धमाका निकलने वाला है। पैकेट तो काफी बड़ा दिख रहा है, निकाल लेकिन ये मेरा पर्स है, पर्स है। यस। दिखाऊंगी बाद
दूसरा अनबॉक्सिंग करते। चलिए अब करते हैं सेकंड अनबॉक्सिंग। ये मेरा पर्स है, छोटा सा पर्स। दूसरा ये है सूट। तो गाइस दूसरा ये निकल गया है शूज। अब देखते हैं इसको क्या करना है, पहनने के बाद पता लगेगा ना कि लेना है नहीं लेना, एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो बस यही है ये। तो बस अब एक चीज बचा है, मैंगो खाएंगे हम। मैंगो खाएंगे बस। उसके बाद फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। सही बात। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो गाइज ये पर्स है और इसको मैं एक्सचेंज करने जा रही हूँ। मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया कलर, ये सब मेरे को पसंद नहीं आया, तो इसको मैं एक्सचेंज करती हूँ। हाँ, एक्सचेंज कर लेती हूँ उसको। चलिए। और तो गाइज ये मैंगो टाइम आ चुका है, हम मैंगो खा रहे हैं। तो गाइज बजे हैं 10 और एज यूजुअल वाइफ को पिज्जा खाना था, तो अब खाते हैं पिज्जा। ये कैसा है? अच्छा, चीज चीज वाला ही लियो, चीज पिज्जा। कल से तो हम उन लोग को नॉनवेज नहीं खाना है। अभी क्या हमारा सावन चल रहा है। खाइए खाइए, मैं खा रही हूं। कल से हम लोग को नहीं खाना है नॉनवेज 2 महीने तक। इस बार तो आज भी नॉनवेज नहीं खा रहे, क्योंकि मंडे को भी नहीं खाते। तो पिज्जा खाते, पिज्जा विद पनीर खा, पनीर। गर्म है। चलिए तो हम लोग पिज्जा एंजॉय करते हैं। आप लोग व्लॉग एंजॉय करिए। सही।